नेचुरल स्टार नानी अपने फिल्म दसरा के प्रमोशन के सिलसिले में इंडिया के टाइगर कैपिटल नाम से प्रसिद्ध शहर नागपुर पहुंचे। सुपरस्टार अपनी फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लखनऊ में शानदार एंट्री करने के बाद अभिनेता ने ट्रैक्टर की सवारी कर नागपुर में अपने सभी प्रशंसकों को चौंका दिया। जब फिल्म दसरा का ट्रेलर लॉन्च हुआ तब से ही नानी के फैंस के बीच इसकी उत्सुकता देखते ही बन रही है। इस फिल्म के लिए नानी पर हर तरफ से लोग भरपूर प्यार बरसा रहे हैं और अब नागपुर के लोगों को बीच भी उनका क्रेज देखने लायक था। श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित दसरा दर्शकों को सिंगरेनी कोयला खानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता संघर्ष के माध्यम से ले जाती है। एक असाधारण थानक और कुछ शानदार प्रदर्शनों की उम्मीद के साथ ये फिल्म चर्चा का विषय बन रही है। थ्रिलिंग और एनर्जी से भरपूर फिल्म का ट्रेलर ने दर्शकों को मनोरंजन की एक झलक दी, क्योंकि इस फिल्म में सुपरस्टार एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जो तारीफ करने लायक है। देश भर के लोगों से इतना प्यार पाकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। महाराष्ट्र ने बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया है और मुझे यहाँ नागपुर में आकर खुशी हो रही है। सुधाकर चेकुरकरी और श्रीकांत चुंडी द्वारा निर्मित दसरा में नानी, कीर्ति सुरेश, दीक्षित शेट्टी, स्टाइन टॉम चाको, समुद्र कानी, साई कुमार नजर आएंगे। श्रीकांत ओडेला द्वारा लिखित और निर्देशित संतोष नारायण द्वारा संगीत बद्ध और सत्यन सूर्यन ISG द्वारा छायाकांश के साथ यह फिल्म 30 मार्च को अपने बड़े राष्ट्रव्यापी रिलीज के लिए तैयार है। लोगों को जो जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मिस होते हैं जब थिएटर को जाएंगे तो जो यू नो दे वांट विजिलवर्थी सीन्स, जो हमें एक एड्रेनलिन रश देगा, हमें एक हम दोस्तों के साथ गए तो एक चीखने का रीजंस देगा, अमेजिंग सीन्स रहेंगे, एक्शन सीन्स रहेंगे, हमें भी वो जोश आएगा पिक्चर देख के। ऐसी फिल्म के लिए वेट करते हैं तो ऐसी फिल्म है दसरा। उसके गाने, इसके इमोशनल मोमेंट्स, इसका लव स्टोरी, इसका एक्शन एपिसोड, सब कुछ एकदम एक प्रॉपर पैसा वसूल वाला एक एक्सपीरियंस देगा। एट द सेम टाइम आपको दिल को छूने वाला एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी भी है इस फिल्म में, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है आई थिंक इट इज़ आइडियल। इसलिए दसरा आपको बिग स्क्रीन में ही देखना पड़ेगा, उसका पूरा इम्पैक्ट आपको फील होना है तो बिग स्क्रीन इज़ द राइट थिंग। आई थिंक आप जैसे आपने बोला ना बहुत कम होता है, आई थिंक ऑल स्पेशल थिंग्स इन लाइफ बहुत कम ही होते हैं, वंस इन अ वेल जो होती है वही बहुत स्पेशल होती है। और आई थिंक टुडे हमें यहाँ पर लाई है फिल्म दसरा, क्योंकि जिस तरह से ये शेप हुई है और जितना अच्छी से आउटपुट आई है उसे देखकर तो हमें लगा कि ये फिल्म तो हर प्लेस को जाके ऑडियंस को बोलना है कि ये देखने के लिए, नहीं तो क्योंकि नहीं देखे तो एक अच्छी सी पिक्चर मिस हो जाएंगे। तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने बनाया ठीक है, मगर जो पिक्चर के बारे में अगर उन्हें बताएंगे नहीं तो वो हमारी साइड से मिस्टेक होगा। तो इसीलिए हम हर एक शहर को जाके पिक्चर के बारे में बता, पूरा प्राउड है जो हमारे देश से एक पिक्चर, एक अपना गाना जाके ऑस्कर जीता है, तो हम सब बहुत प्राउड है। और अभी सब दूसरे देशों के लोग भी हमारे गाने को नोटिस, पहले कैसे रहता था कि इंडिया के फिल्म में बस डांस एंड गाना रहता है बोल के बोलते थे वो लोग, अभी उसी डांस एंड गाने को बुला के उन्होंने अवार्ड दिया, तो हमारा ये बहुत बड़ा जीत है हमारा ऑडियंस का, हमारा इंडस्ट्री का, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। सो RRR टीम को हम सब थैंक्स बोलना चाहिए और हम सब बहुत ही प्राउड है उनका। NBCN न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।